नमस्कार। बेयर्स एंड बुल्स के आज के सत्र में सबसे पहले तो मैंने मेरा बैकग्राउंड चेंज किया है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि चेहरा नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले तो वैसा दिखता हूँ, जैसा भी हूँ ये हूँ मैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। पर ये सेंसेक्स और निफ्टी तो मान नहीं रहे। सेंसेक्स एक सप्ताह में 1,000 पॉइंट की रैली आ गई, और अभी 50,000 को बस छूना है, वो हिसाब से ही काम चल रहा है बाजार में। निफ्टी भी आज हम जब फ्राइडे को 200 पॉइंट की रैली, डबल सेंचुरी, आज फिर से 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर। तो ये सब थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है इसके रिलेटेड? ऑफकोर्स लिक्विडिटी के कारण हो रहा है, लेकिन इसी लिक्विडिटी को किस किस तरह से देखा जाता है या क्या पढ़ते हैं? करेंसी इन सर्कुलेशन के ऊपर एक RBI का रिपोर्ट आया था अभी, तो उसके ऊपर बात करेंगे। और जैसा इंडिया का जो स्टेटस है, वही विश्व का भी परिस्थिति है। तो करेंसी इन सर्कुलेशन को लेकर आज का वीडियो है। और पिछले कई दिनों से, लगभग 1 या 2 महीनों से, हम लोग सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं कि शेयर खरीदने की जल्दी मत करो। ये बाज़ार शेयर खरीदने की जल्दी करने वाला बाज़ार नहीं है। आपकी डेली SIP STP चल रही होगी इंडेक्स में, वो निकल के भी मतलब नहीं है, क्योंकि निकल जाओगे और बाजार फिर तेजी में आ जाएगा, तो वी आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी। तो डेली इंडेक्स SIP छोटी सी जो चल रही है वो चलती रहनी चाहिए, लेकिन कचरा जो होगा वो भी साफ करना चाहिए। लेकिन हम हेज 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 हर बार हम हेजिंग की बात करते हैं। तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने सवाल पूछा कि एक्सेल का एक सेशन चाहिए कि एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं या पे ऑफ चार्ट्स कैसे बनाते हैं। तो आज हम लाइव एग्जांपल के साथ एक्सेल पे देखेंगे, और बाद में वो एक्सेल व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल भी जाएगी CMM पार्टिसिपेंट्स को। पर ये देखेंगे कि वो कैसा करना है। तो आज का, और ये सब कम टाइम में, बहुत लंबा नहीं करना है वीडियो। तो ये आज का थोड़ा सा पार्श्वभूमि है, क्या क्या हुआ पिछले 1-2 दिन में। US के बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से ऊपर चले गए। आप बोलोगे उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है, US डॉलर इंडेक्स एंड 10 ईयर यील्ड, दो तरह से इसको देखो। ये ब्लैक वाली जो लाइन है ये डॉलर इंडेक्स के फ्यूचर्स की है, और 10 ईयर, हाँ, और ये आप देख सकते हैं पर्पल लाइन, ये यहाँ पे जंप मार गया। तो US गवर्नमेंट के जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उस पर अगर ज़्यादा रिटर्न मिलने लगा, सो इसमें क्या मतलब है? US गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स राइजिंग का क्या मतलब है? रिटर्न्स हैव इंक्रीज देयर। वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो कोई क्यों बाहर इन्वेस्ट करेगा ना, US का इन्वेस्टर। इसलिए चांसेस आर मनी कैन बी सक्ड आउट ऑफ ग्लोबल मार्केट। एकदम कल होगा और एक साथ पैरा होगा ऐसा नहीं है। आप इसको इस तरह से सोचो कि अगर आप एक निवेशक है और एक जगह पे, जहाँ पे आप लाइक स्टेट बैंक, आप स्टेट बैंक और कोऑपरेटिव बैंक के साथ कंपेयर करो। अगर स्टेट बैंक आपको 7% दे रहा है और कोऑपरेटिव बैंक आपको मान के चलो 10% दे रहा है, तो आप कोऑपरेटिव बैंक में आ जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद अगर आपको दिखता है कि स्टेट बैंक भी 8% दे रहा है, तो फिर आप, और इसने समझो 11% भी कर दिया, तो भी आप बोलोगे ठीक है, यहाँ पे 8 मिल रहा है, यहाँ से पैसा निकालो। और यहाँ पे अगर आपने 100 रुपये लगाए होंगे तो आप बोलोगे ठीक है, इसमें से 50 रुपया निकाल लो और इधर 50 रुपया डाल दो, क्योंकि सेफ में मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि जहाँ पे सेफ रिटर्न्स वाला जो है, वहाँ पे अगर थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न मिलने लगे, जो कि यहाँ पे हो रहा है, तो लोग यहाँ पे सेफ करके ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, तो कोई मुझे रिस्क भी नहीं चाहिए और मुझे रिटर्न भी चाहिए, ये तो हर कोई चाहता है। तो वो अगर यहाँ पे हुआ तो ग्लोबल से पैसा निकल सकता है धीरे धीरे, एकदम आजकल में नहीं, ये इतने से परसेंटेज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ये जो पॉइंट्स हैं, यानी आप इनको टर्निंग पॉइंट करके देखिए कि जो एक तरफा जो लिक्विडिटी आ रही थी कहीं, तो भी थोड़ा सा पलटते हुए दिख रहा है, ये पहला पॉइंट है। आप दूसरा इसको इस तरह से भी सोचो कि US गवर्नमेंट चाहती है कि उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़े, और जब तक इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन था ही नहीं उनके यहाँ पे, जब तक इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहा था तब तक इजी मॉनेटरी पॉलिसी। अब जब उनको दिख रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ने लग गया है, तो वो अपनी जो डॉलर लिक्विडिटी का जो प्रोग्राम बना रहे हैं, या जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी टाइटन कर सकते हैं। तो US फेड कैन ऑल्सो टेक दिस डिसीजन कि रेट्स
राइज राइज तो नहीं एकदम से करेंगे, पर कुछ तो भी ऐसा कि लिक्विडिटी जो बह रही है वो कहीं तो भी थोड़ी सी उसको वो आकुंचन करके एक सिग्नल दे सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डेटा चेंज हुआ तो सब लोग चेंज करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो अच्छा ये मत भूलिए कि अपने यहाँ पे सेंसेक्स 50,000 के, इसमें हम बड़े खुश हैं कि आज होगा, कल होगा, बजट के पहले होगा, जो भी होगा। लेकिन अगर आप पी देखेंगे निफ्टी का, तो लगभग 39-40 के आसपास का पी है। तो अपना बाज़ार भी कुछ महंगा नहीं है, ना सस्ता नहीं है। और अपना बाज़ार महंगा इसलिए है क्योंकि ये इतनी आसानी से लिक्विडिटी सब जगह पे चली गई है, जो कि है। तो कहीं तो भी बदलाव आ रहा है कि शायद यूएस का जो यील्ड राइजिंग है वो पहला इंडिकेटर है। अभी तक कुछ भी नहीं बदला है, पर ये इंडिकेशन, जब सेंसिटिव इंडेक्स क्यों कहते हैं मार्केट को, सेंसेक्स को सेंसिटिव इंडेक्स क्यों कहते हैं? सेंसेक्स का मतलब है कि सेंसिटिव इंडेक्स, एंड देयर फोर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये वर्ड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये वर्ड को क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जैसा ही कुछ होता है वैसा ही आपको वहाँ पे इंडिकेशन मिलना चाहिए। ये नहीं है कि आज कुछ तो भी हो रहा है और फिर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, नहीं तो वो इंडेक्स क्या काम का, नहीं तो वो इंडेक्स क्या काम का। तो इसलिए आपको ऐसे इंडिकेटर्स ढूंढते रहने चाहिए कि जहाँ पे आपको दिखेगा कि शायद ये पार्टी ख़त्म होने के संकेत मिल रहे हैं। और उसमें से एक पहला संकेत ये है कि यूएस का यील्ड बढ़ रहा है, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, यूएस डॉलर इंडेक्स और यूएस यील्ड। तो चलो ये पॉइंट बंद हो गया। गोल्ड और सिल्वर भी आपने देखा पिछले एक हफ्ते में बोलो या पिछले कुछ दिनों में बोलो, गोल्ड एकदम से, ये देखो आप गोल्ड कैसा क्रैक हो गया यहाँ पे, 1950 का एकदम से 1850 आ गया। तो ये सडनली जो गोल्ड क्रैक हो गया, तो गोल्ड क्या है? गोल्ड इज़ अ इन्वेस्टमेंट व्हेन पीपल आर, जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमने देखा है पुराने वीडियोज़ में। तो अब जब पैसा निकलेगा सभी एसेट्स में से, तो हर एक एसेट नीचे गिर सकता है, गोल्ड भी नीचे गिर सकता है। तो ये भी एक रीज़न है, गोल्ड के अपोजिट व्यूज़ रहते हैं। पर आपको देखना पड़ेगा कि जो एक तरफा चल, बिटकॉइन भी थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये जो सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी एसेट अभी बहुत सस्ता नहीं रहा। और इसलिए आपको हेज 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 जो हरदम बोलते हैं, जाएंगे हम उसके ऊपर, पर ये सारे इंडिकेशंस, इसलिए सभी चीज़ ध्यान देते रहनी चाहिए। देखिए रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है, एक और इंडिकेशन कि रुपी अप्रिशिएट, रुपी अप्रिशिएट, हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं कि रुपी अप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पिछले एक सप्ताह से ये दिख रहा है कि रुपी जो 73.1, यहाँ पे आप देख सकते हो 73, 70, 72.8, यानी 73 के भी नीचे नीचे, यानी कि स्ट्रांग हुआ था वो, अब कहीं तो भी रुपी लगभग 73.5 यानी 74 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये एक ये है कि रुपी जो, ये यहाँ से जो आप देख सकते हो वन साइड रुपी जो स्ट्रांग हुआ पिछले 4-5 दिनों में, ये पहला इंडिकेशन है कि कहीं तो भी रुपया भी उस तरह से जो स्ट्रेंदन हो रहा था वो अभी उतना फ्लो नहीं रहा, ऐसा आप अभी बोल सकते। इससे अभी तक कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ ये इंडिकेशंस होते हैं, फर्स्ट इंडिकेशंस की जो ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख लो, ये रुपी डॉलर का चार्ट है, रुपी 73 से 73.2 और अभी 73.4 और 74 की तरफ जा रहा है। सिमिलरली ये ब्लू लाइन यूरो की है, आप देख सकते हो यूरो जो वन साइड अप्रिशिएट हो रहा था डॉलर के अगेंस्ट, अभी यूरो भी थोड़ा सा वीक हो गया है। तो डॉलर डॉलर जो सभी एसेट्स के तुलना में जो वीक 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 चल रहा था, और वो डॉलर वीक था इसीलिए बाकी सभी एसेट्स स्ट्रांग हो रहे थे। हमने एक वीडियो बनाया था, ये 10 साल, ये 10 वीडियोस की सीरीज 2020 में, उसमें हमने एक पॉइंट बनाया था कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस डॉलर इज़ द प्रिफर्ड एसेट। तो अब तक जब तक सब जगह पे इजी लिक्विडिटी थी, क्योंकि क्राइसिस था तो सब लोग डॉलर में चले गए, फिर सभी बैंक्स ने लिक्विडिटी दे दी तो क्राइसिस का चले गया, तो फिर डॉलर वीक हुआ, और क्योंकि डॉलर वीक हुआ इसलिए बाकी के सारे एसेट्स ऊपर गए। तो इसका उल्टा भी मतलब हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर डॉलर स्ट्रांग होने लगा तो बाकी के एसेट्स वीक हो जाएंगे, क्योंकि पैसा वापस डॉलर में जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे इनहेरेंट स्ट्रेंथ अगर यूएस इकोनॉमी की बढ़ती है। तो ये सारे फर्स्ट इंडिकेटर्स हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। तो रुपी भी जो एक तरफा अप्रिशिएट हो रहा था, ये आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कंटिन्यूस पिछले कुछ दिनों से रुपी थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है, ये एक बात।
अभी आएंगे हम ये एक बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, करेंसी इन सर्कुलेशन, जिसके ऊपर काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आए तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। करेंसी इन सर्कुलेशन रोज, यानी करेंसी जो है देश में वो करेंसी, बिकॉज इन व्हाट हैपन्स इज देयर इज समथिंग नोन एज मनी मल्टीप्लायर। बहुत कठिन नहीं करेंगे इसको। जब जीडीपी में कोई प्रॉब्लम, यानी जब इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, तब सबके अपने अपने बिजनेसेस चलते रहते हैं। B1 पकड़ लो, B2 पकड़ लो, B3 पकड़ लो, B4 पकड़ लो, यानी कि कोई वर्कर होगा, कोई बिजनेस होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा। तो क्या है कि इसके हाथ से पैसा इसके हाथ में जाएगा, इसके हाथ से पैसा इसके हाथ में जाएगा, इसके हाथ से पैसा, यानी कि पैसे को चालना रहती है। तो यानी कि मनी हैज़ वेलोसिटी। तो वही एक रुपया रहता है, वही एक रुपया, वो मैं आपको दूंगा, आप किसी और को देंगे, वो किसी और को देगा, वो किसी और को देगा, तो एक रुपया है। और क्योंकि जीडीपी में इतने सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसलिए कम रुपए सर्कुलेशन में रहने के बावजूद भी जीडीपी ग्रोथ होती है, क्योंकि वही एक्टिविटी, वही एक रुपया फास्ट 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 घूमता है। तो उस तरह से जीडीपी, तो जब वेन जीडीपी की एक्टिविटी फास्ट रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तब करेंसी इन सर्कुलेशन ये कम रहती है, लेकिन क्योंकि वो एक ही रुपया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, बहुत ज़्यादा घूमता है। लेकिन जब ऐसा प्रॉब्लम आता है जैसा अभी अपना पूरे देश में, ये विश्व का है, सिर्फ भारत का नहीं है, तो कोई पैसा खर्च ही नहीं कर रहा है, सब पैसे लेके बैठ गए। अब जब सब पैसे लेके बैठ जाएंगे तो इकोनॉमी चलेगी कैसे? तो इसलिए व्हाट आरबीआई डज इज, आरबीआई पैसा छापता है, बस छापते जाता है, छापते जाता है, छापते जाता है, और छोड़ते जाता है बाजार में, जो कि हमने जीडीपी के एक पुराने वीडियो में देखा था कि सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही था जीडीपी में कि जिसने बढ़ाया इसको। ये जो एडवांस एस्टिमेट्स वाला पिछला जो वीडियो था बेयर्स एंड बुल्स की सीरीज़ का, मैं दिखा देता हूँ आपको, यूट्यूब ओपन कर लेंगे आप, वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। पिछला वीडियो अपना बेयर्स एंड बुल्स की सीरीज़ का, आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, बेयर्स एंड बुल्स 24 वीडियो है इसमें। तो ये कौन सा है, 1 दिसंबर का, नहीं लेटेस्ट वाला कौन सा है, हाँ ये देखिए, इंडिया एडवांस एस्टिमेट्स FY21 रियल जीडीपी ग्रोथ एट -7.7, आप देख सकते हो रियल जीडीपी ग्रोथ एट माइनस से। तो ये 30 मिनट का वीडियो है, आप ये देख लीजिए। तो अभी परिस्थिति क्या है कि जीडीपी ग्रो ही नहीं कर रहा है, कोई पैसा घूम ही नहीं रहा है। और ऐसे में जब आपको, जब पूरा नीचे से ऊपर खींचना है, आपको माइनस टेरिटरी से प्लस टेरिटरी में लाना है, तो किसी को तो भी लीड लेना पड़ेगा, और वो कोई तो भी, यानी कि गवर्नमेंट है। तो इस बार गवर्नमेंट ने बहुत सारा, अच्छा गवर्नमेंट ने पैसा आएगा कहाँ से, गवर्नमेंट के पास कौन सा पैसा है? तो इसलिए फिर गवर्नमेंट या तो बोरो करेगा या तो टैक्सेस बढ़ा देगा। आप देख सकते हो, अब कई लोग बोल रहे होंगे कि पेट्रोल की कीमतें महंगी है, या फिर फास्टैग पे आप जो करते हो, पहले कम पैसे लगते थे, अब ज़्यादा पैसे लग रहे हैं। सी स्वाभाविक है, नहीं तो ये गवर्नमेंट, और नहीं तो इनको बोरो तो हद से, वैसे ही बोरो बहुत करना पड़ेगा, पर अभी भी, अभी ये सब करने के कारण थोड़ा कम बोरो करना पड़ेगा। इस बार फिस्कल डेफिसिट ये 7% ऑफ जीडीपी होने के चांसेस हैं, जो कि पहले 3.5% का प्लान था। तो ये सब पैंडेमिक के टाइम पे है, ये स्पेशल सिचुएशन है। तो उसके कारण क्या हुआ है कि जो जो हो सकता था वो सब गवर्नमेंट ने किया, और उसमें से वन ऑफ द थिंग्स वॉज कि उन्होंने लिक्विडिटी छोड़ दी बाजार में। और उसका कारण ये है कि अब आप ये पढ़े कि वेर एवर देर इज अ क्राइसिस लाइक सिचुएशन, देर इज अ टेंडेंसी फॉर हाउस होल्ड्स टू लैच ऑन टू कैश। सही बात है ना, जब क्राइसिस है तो कौन पैसा खर्च करेगा, सब अपना पैसा बचा के रखते हैं। और उसके कारण क्या हो गया, देर इज अ डिमांड, देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर कैश। ये प्रिकॉशनरी मोटिव ओवरवेलमिंग एवरीथिंग, सब लोग डरे हुए हैं और इसलिए कोई कुछ खर्च नहीं कर रहा, सब अपना पैसा बचा के रख रहा है। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, किराना लगेगा, किसके यहाँ पे ओल्ड एज होगी, सीनियर सिटीजन होंगे, कई सारी चीज़ें। तो ये आरबीआई ने बताया कि वो सब करने के लिए हमने क्या क्या किया, और फिर बाद में उन्होंने ये पूरा डिटेल दिया। तो ये वाला बंद कर देंगे। ग्लोबल देखो, अभी ग्लोबल देखो, कैश सर्कुलेशन इज सोरिंग एंड यहाँ पे दैट यूजुअली मीन्स गुड थिंग्स फॉर द इकोनॉमी। तो ये ग्लोबल दुनिया में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, और उसने वही बोला है कि 11% से कैश सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो गया है, और
इसका क्या कारण है, वॉट एवर इन इट्स सॉलिड हिस्ट्री इकोनॉमिक, दीज आर इकोनॉमिक टर्निंग पॉइंट्स, ये अपने काम का पॉइंट है, ये अपने काम का पॉइंट है कि इट हैज़ अ सॉलिड हिस्ट्री ऑफ, वॉट हैज़ अ सॉलिड हिस्ट्री, M1, M2, M3, ये जो मनी सप्लाई है। तो आप इसको इस तरह से समझिए कि जब इतना सारा पैसा दुनिया भर में फ्लो हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी में फ्लो हो रहा है, तो इजी मनी अवेलेबल होने के कारण, ईजी मनी अवेलेबल होने के कारण पैसा लोग लोन ले रहे हैं, यानी कि बिजनेसेस जो लोग लोन ले रहे हैं वो, और वो अपने अपने बिजनेसेस में डाल के धीरे धीरे आपने देख सकते, आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बोनसेस वगैरह दिए अपने एम्प्लॉयज़ को। तो ये सब वो था कि ईजी लिक्विडिटी अवेलेबल है और अपने को इकोनॉमी को फिर से स्टार्ट करना है और इसलिए पैसा छोड़ो बाजार में। तो ये वो टाइम है कि करेंसी इन सर्कुलेशन मैक्सिमम है। अब देखो ये पूरे वीडियो के तीन भाग है, एक जो प्रॉब्लम था पैंडेमिक वाला समय, तो उस समय क्या किया, पैसा छोड़ दिया बाजार में। अभी ये दूसरा आर्टिकल जो हम पढ़ रहे हैं वो बता रहा है कि ये ऐसा करने से क्या होता है, और ये जब सिचुएशन आती है तो यूजुअली इकोनॉमी का वर्स्ट पीछे हो जाता है और टर्निंग पॉइंट होता है इकोनॉमी के लिए। और जिसके कुछ इंडिकेशंस हैं कि जैसे जो -25 का GDP था वो अभी अगले क्वार्टर में और कम हो गया, और FY22 में तो हम पॉजिटिव में आने की भी चांसेस हैं। तो इकोनॉमी में जो सबसे निचला जो आकुंचन हुआ था, जो फिसल आई थी, वो गई अपने पीछे और अभी जब इकोनॉमी वापस ऊपर हो रही है, आप एकदम स्टार्टिंग में हमने जो डॉलर के बारे में बात करी थी कि ये जो है कि रिटर्न्स हैव इंक्रीज्ड और डॉलर भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, तो आप समझिए कि डॉलर सब जगह फैला था, लिक्विडिटी सब जगह फैली थी। वो क्यों फैली थी, क्योंकि क्राइसिस था। अब जैसी जैसी नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है, वैसे वैसे सब लोग ये जो एक्स्ट्रा मेजर्स लिए थे, ये सब धीरे धीरे वापस आने के चांसेस है। और ये अभी हम जो है ये एक्सट्रीम कंडीशन में है कि जिसमें, क्योंकि मनी वेलोसिटी था ही नहीं पहले, तो क्योंकि मनी वेलोसिटी नहीं था, पैसा सब रुका हुआ था, इसलिए एक्स्ट्रा पैसा डाल डाल के इकोनॉमी को चलने लगाया। इसका एक और डर रहता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि बढ़ रहा है सब जगह पे दुनिया भर में। तो अब जब ये मनी वेलोसिटी वापस आ गई है, अब जब धीरे धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस बढ़ने लगी है, तो तब एक्स्ट्रा कैश, ध्यान दीजिए हम थर्ड पार्ट पे जा रहे हैं अपने डिस्कशन के, तब एक्स्ट्रा कैश को वापस निकालना भी ज़रूरी है। जब इकोनॉमी चल नहीं रही थी तब एक्स्ट्रा कैश छोड़ दिए, अब जब इकोनॉमी वापस चलने लगी तो एक्स्ट्रा कैश को निकालना भी ज़रूरी है। ये अपने वीडियो का आज का सेकंड पार्ट है। चलो, तो ये वाला तो हमने नेशनल देखा, इंटरनेशनल देखा। एक डेटा देख लो पहले, कितनी लिक्विडिटी है मार्केट में रोज का। अगर आप, ये डेटा है आपका, आप देख लो, 8 जनवरी का है, लेटेस्ट डेटा है। रोज का अगर आप देखेंगे तो RBI का रिवर्स रेफो फिगर 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख करोड़ है। ये सब रुपीज़ क्रोर्स के फिगर्स हैं ये सब। तो 6 लाख करोड़, 7 लाख को, तो इतनी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी सिस्टम में है आज की तारीख में। तो सिस्टम इज़ फ्लश विथ फंड्स, सिस्टम में ईजी लिक्विडिटी है, और जिसके कारण अगर आप रिवर्स रेपो रेट देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे दिखेगा क्या अपने को, यहाँ पे नहीं दिखेगा, पर अगर आप यील्ड्स देखेंगे, इसको इस तरह से देख लो, इंडिया के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यील्ड देख लो आप, तो आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म यील्ड ये 3.3% यहाँ पे दिख रहा है। ये इंडिया का 3 मंथ का यील्ड है, 3 मंथ, तो 3 मंथ का यहाँ पे उसने 3.32 का रेट दिख रहा है आपको। और यदि आप RBI के होम पेज पे जाएंगे और पॉलिसी रेट्स अगर आप देखेंगे, तो रिवर्स रेपो 3.35 है। ध्यान दीजिए, रिवर्स रेपो इज़ द सेफेस्ट रेट, कि सबसे सेफ़ अगर कुछ है तो RBI का रिवर्स रेपो रेट है। कि मैं बैंक हूँ, मुझे और कहीं पे पैसा नहीं देना है, तो मैं RBI को देता हूँ, कम से कम 3.35% तो मिलेगा। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि RBI से भी कम रेट पे बाजार में मैं लगाने को तैयार हूँ, इतनी लिक्विडिटी है मार्केट में। और ये RBI को करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को। सी, इंटरेस्ट रेट इज़ कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड यानी क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट्स। कॉस्ट कब बढ़ेगी या कॉस्ट कब कम होगी, सप्लाई डिमांड। जब सप्लाई बढ़ जाएगा, रुपी 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 अगर सब जगह अवेलेबल हो गया, तो इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे। तो ये सिंपल सप्लाई डिमांड का है।
तो अभी ये जो आपको छोटा सा स्पाइक दिख रहा है, क्योंकि आपके रिवर्स रेपो रेट से भी नीचे बाजार में रेट चल रहा है ना, इट शोज़ की लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा है और आरबीआई को अभी ये ठीक करना पड़ेगा। इसलिए आप देख सकते हो नॉर्मल लिक्विडिटी ऑपरेशन वगैरह अभी कुछ कुछ हो रहा है। तो ये सेकंड पार्ट है अपना, ख़त्म हो गया। देखो अपन ने ये वाले वीडियो में हमने किस तरह से डिवाइड किया है, एक प्रॉब्लम था डॉलर लिक्विडिटी और रुपी लिक्विडिटी कैसे बढ़ी, वो वाला फर्स्ट पार्ट था। फिर सेकंड, इतने कारण इतनी लिक्विडिटी बढ़ गई, इतनी लिक्विडिटी बढ़ गई कि उसके कारण मनी वेलोसिटी ना होने के कारण भी जीडीपी जो -25 था वो धीरे धीरे उठा। दूसरा और अभी तीसरा पार्ट ये है वीडियो का कि अब जब धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है तो पैसा वापस कैसे लिया जाएगा। और इसलिए एक और आर्टिकल हम पढ़ेंगे, आरबीआई बिगिंस द लॉन्ग रोड टू नॉर्मलसी ऑफ मॉनेट। नॉर्मलसी, नॉर्मलसी यानी वो जो पिछले मार्च से दिसंबर में था, 9 महीने 10 महीने का जो समय था वो नॉर्मल समय नहीं था। वहाँ पे दुनिया भर के बैंकों ने एक साथ मिलके ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ा दी थी, पर अगर ऐसी ग्लोबल लिक्विडिटी हरदम रही तो इन्फ्लेशन हाथ के बाहर चले जाएगा, जो कि दिख रहा है होते हुए। क्रूड ऑयल भाग रहा है, सब्जियाँ भाग रही है, कॉटन का प्राइस भाग रहा है, मेटल्स के प्राइस भाग रहे हैं, सब ऊपर जा रहे हैं। तो हमें पैसा उसके लिए चाहिए था कि जीडीपी बढ़े, ना कि उसके लिए कि इन्फ्लेशन बढ़े, पर दोनों एक साथ ही होता है। तो अब जब दिख रहा है कि मनी वेलोसिटी आ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, मनी मल्टीप्लायर धीरे धीरे बढ़ेगा, तो एक्स्ट्रा जो पैसा है वो निकालना ज़रूरी है। तो आरबीआई अभी वो कर रहा है, और आरबीआई उसके लिए क्या कर, फिर आरबीआई ने ये क्या कर रहा है वो अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वाले आर्टिकल में आपके लिए काम का एक ये है कि द सिग्नल दैट द पीरियड ऑफ अल्ट्रा क्लीन मनी इज़ अल्ट्रा चीप मनी इज़ ओवर वोंट बी लॉस्ट ऑन द इक्विटी मार्केट। वो क्या बोल रहे हैं, आज कुछ नहीं होगा इससे, आज एक दिन में कुछ नहीं होगा, पर ये एक इंडिकेशन है, ये सिग्नल है, ये संकेत है क्या कि जो आसानी से पैसा आपको मिल रहा था अब तक, ये जो इंटरेस्ट रेट सबसे नीचे यहाँ पे थे, शायद आप अभी अपेक्षा कर सकते हो कि ब्याज दरें थोड़ी सी ऊपर बढ़ना चाह, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम इतने नीचे है कि यहाँ से थोड़ा ऊपर बढ़े तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेंड चेंज हो रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें एक ही चीज़ बता रही है, डॉलर के यील्ड भी महंगे हो रहे हैं, उसके कारण डॉलर बाहर जा सकता है। इंडिया में अगर इंडिया यानी कि क्या होगा, ग्लोबल लेवल पे यूएस फेड लिक्विडिटी कम करने की कोशिश करेगा, इंडिया में आरबीआई लिक्विडिटी कम करने की कोशिश करेगा, और दोनों चीज़ों के कारण ऐसा हो सकता है। क्योंकि पहले हमने चार्ट देखा था वो डॉलर का चार्ट था कि डॉलर के यील्ड बढ़ रहे हैं, यहाँ पे चार्ट ये है कि रुपी के यील्ड बढ़ रहे हैं इंडियन बॉन्ड्स के। तो आप देख सकते हो ये दोनों चीज़ों के कारण ऐसा हो सकता है, एकदम से आज कुछ नहीं होने वाला है, डरना नहीं है, पर उसके कारण इक्विटी मार्केट में जो इजी लिक्विडिटी मिल रही है वो शायद कहीं ना कहीं जाएगी, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, बस इतना उसका मतलब है। तो ये आपको पूरी रैली लिक्विडिटी ने, तो 40 का पीई मिलता है क्या कभी, 30 और 40 के पीई पे मार्केट इतने दिनों से है, इतने महीनों से है, क्यों है, वो भी क्राइसिस के समय, क्योंकि इजी लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो अब अपने को ये, अब ये होना चाहिए कि लिक्विडिटी कम हो पर फिर भी इकोनॉमी बढ़ती रहे, जिसके कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे लेकिन जीडीपी बढ़ता रहे, और अगर ऐसा होता है तो ये वैल्यूएशंस तो फिर सस्टेन रहेंगे, नहीं तो वैल्यूएशंस गिर सकते हैं, तो वो बात की बात है। वैसे भी 39 बहुत महंगा है, पर आपको ये ध्यान देना चाहिए। इसकी अपोजिट लोग क्या बोल रहे हैं कि ठीक है नियर टर्म डॉलर स्ट्रेंथ है और बाकी सारी चीज़ें हैं, पर आरबीआई कोई बहुत बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेंगे, और इसलिए इससे ज़्यादा कुछ लोगों को एकदम से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग राह देखेंगे, देखो क्या होता है फिर करेंगे। पर ये बात पक्की है कि नॉर्मल सी लाने के लिए आरबीआई ने वापस कदम उठाना चालू कर दिया है, या आरबीआई ने सोचना चालू कर दिया है। तो दिस इज़ योर बुल्स एंड बेयर्स एंड बुल्स फॉर द टुडे। हेजिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, पर सब लोग लॉन्ग पुट करो और हेज रहो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लंबा हो गया थोड़ा सा वीडियो, लेकिन ज़रूरी था ये करना, सो थैंक यू वेरी मच।